हेलो एवरीवन, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये हमारा एसएससी सीजीएल सीपीओएसआई एमटीएस एवं सीएचएसएल और यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी पेट को मद्देनजर रखते हुए हमारा ये जीके एंड जीएस का इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है। तो आप लोग इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करते रहें, जिससे इस सेशन का उनको भी फ़ायदा प्राप्त हो सके और उनको भी इस सेशन का महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान हो सके। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करते रहिएगा। तो ये स्पेशल यूपीएससी पेट के लिए हम बना रहे हैं सेशन, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने रखे हुए हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पंडित रवि शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रवि शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार वादक हैं। भारत रत्न इन्हें मिला था 1999 में। कब? 1999 में। पद्म विभूषण 1981। कौन है? पंडित रवि शंकर। तो इन्हें सितार वादक हैं ये, और इन्हें भारत रत्न 1999, पद्म विभूषण 1981 और पद्म भूषण 1967 में इन्हें मिला है। तो देख लेते हैं प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, उनके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें कोई परीक्षा ये नहीं है, स्पेशली हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अब तो ये ट्रेंड बन गया है। तो देख लेते हैं, पहला है सितार। तो सितार किससे संबंधित है? पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्रा, बुद्धचरित्र मुखर्जी, लियाकत खां, शाहिद परवेज और बिंदा हसन, ये सभी हो जाते हैं सितार वादक संबंधित। अगला है सरोद। तो सरोद वादक से अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और है विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा और बुद्ध देवदास गुप्ता, ये हो जाते हैं सरोद से। फिर है अगला है संतूर। तो संतूर से शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, कौन है? शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, ये दोनों लोग संतूर वादक से हो जाते हैं। अगला है शहनाई, बिस्मिल्ला खां, अली अहमद, हुसैन खां और दयाशंकर जगन्नाथ, ये सब शहनाई से संबंधित हो जाते हैं। अगला है बांसुरी। बांसुरी से हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और बी कुंजमणि, ये हो जाते हैं बांसुरी से। अगला है तबला। तो तबला वादक कौन कौन है? जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज और लतीफ़ खां और सुखविंदर सिंह, ये सभी तबला वादक हो जाते हैं। अगला है वायलिन। तो वायलिन हमारा है, वायलिन से देख लेते हैं, टी एन हैं कृष्णन, डॉक्टर एन राजम और एल सुब्रमण्यम, ये सभी वायलिन वादक हो जाते हैं। अगला है पखावज। गोपाल दास ठाकुर, लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह और रहमान खान, ये सभी किससे हो जाते हैं? पखावज से हो जाते हैं। अगला है रुद्रबीड़ा। रुद्रबीड़ा के उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां, ये रुद्रबीड़ा से संबंधित हो जाते हैं। और खाली बीड़ा, तो खाली बीड़ा से हैं एस बालचंद्रन और कृष्ण भागवतार और बदरुद्दीन डागर, ये बीड़ा से संबंधित हो जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना कब हुई थी? तो देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे ब्योमेश चंद्र बनर्जी, कौन थे? ब्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और कुल 72 सदस्य इसमें थे। कितने? कुल इसमें 72 सदस्य थे। देख लेते हैं आगे, तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं आगे क्या है। तो हमने देख लिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 28 दिसंबर 1885। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। स्थापना हमने देखी ली है 1885, ठीक है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं, तो आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ही, तो कौन और कहाँ पर अध्यक्ष रहा है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देख लीजिए 1886, तो इसके 1886 में कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में इसकी सभा हुई। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और प्रतिनिधियों की संख्या यहाँ पर बढ़कर 436 हो गई थी। कितनी? 436 हो गई थी। अगला है 1887। कौन सा है? 1887 है ये। इसकी अध्यक्षता मद्रास में हुई और अध्यक्ष इसके थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे इसके, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अगला है 1888, कहाँ? इलाहाबाद। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल।
1888 में इलाहाबाद में हुई और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आप लोग इसे लाइक और शेयर अवश्य करते रहें। देखिए, ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, ठीक है, 1888 में इन्होंने इलाहाबाद में इसकी अध्यक्षता की हुई थी। अगला प्रश्न है 1896 बारहवां अधिवेशन कलकत्ता, इसमें कौन थे? तो एम रहीमतुल्ला। कौन थे? एम रहीमतुल्ला। शयानी पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया था, कब गाया था? तो 1906 में। ओके, शयानी ने ये जो 1896 में बारहवां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था रहीमतुल्ला के द्वारा, एम रहीमतुल्ला के द्वारा, और इसी में शयानी ने पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया था 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। तो इसमें दादा भाई नौरोजी कौन थे अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी थे। और यहीं पर स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और यहाँ पर स्वराज का प्रथम बार शब्द का प्रयोग प्रथम बार यहीं पर किया गया था, प्रयोग किया गया था अध्यक्ष के द्वारा किया गया था। और यहीं पर मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी। देखिए, बहुत बड़ी बात है। देखिए, 1906 की बात है कि है कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, स्वराज शब्द का यह प्रथम बार यहाँ पर प्रयोग हुआ और मुस्लिम लीग की स्थापना भी यहीं पर हुई थी। ओके, अगला देख लेते हैं 1907, ये सूरत, यहाँ अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस का यहाँ पर विभाजन हो गया, क्या हुआ? कांग्रेस का यहाँ पर विभाजन हो गया। तो विभाजन किस में हुआ अब वो देख लेते हैं, गरम दल और नरम दल, दो दलों में यहाँ पर कांग्रेस विभाजित हो गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष जी। अब देख लेते हैं एवं सत्र की समाप्ति, सत्र की समाप्ति। तो यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो गया था रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। तो अब देख लेते हैं 1916, ठीक है, 1916 में। तो अब देख लेते हैं सत्र की समाप्ति 1911, कलकत्ता, बिशन नारायण धर। क्या है? बिशन नारायण धर। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान इसमें गाया गया था 1917 में। कब? 1917 में। किसके द्वारा? तो बिशन नारायण धर के द्वारा इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था 1917 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला इसमें क्या हो जाएगा? अगला अधिवेशन हो जाएगा कलकत्ता। अगला हमारा अधिवेशन जो है कलकत्ता है। तो ये कहाँ हुआ था? 1917 में। एनी बेसेंट, इसमें श्रीमती एनी बेसेंट ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। किसकी? तो ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाती हैं कांग्रेस की। देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो आगे प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी? तो मुगल बादशाह हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी? तो 1553 में हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की। हुमायूं की जीवनी का नाम क्या है? हुमायूं नामा। क्या है? हुमायूं नामा उसकी जीवनी का नाम है, जो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। किसने? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। हुमायूं की जीवनी का क्या नाम है? हुमायूं नामा है। और इसकी बहन का क्या नाम था? तो गुलबदन बेगम इसकी बहन का नाम था। तो आप लोग लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा। तो चलते हैं, देख लेते हैं आगे। आगे हमारा क्या है? तो अगला देख लेते हैं। हमने देख लिया है हुमायूं क्या है, मुगल बादशाह। तो हुमायूं के नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी किसने? हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना 1526 और से 30 तक। किसने? बाबर का कार्यकाल रहा है, ठीक है। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध 25 जनवरी देख लेते हैं। चौसा का युद्ध 25 जनवरी 1539 ईस्वी में शेर खां व हुमायूं के मध्य हुआ था। किसके मध्य? तो चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां व हुमायूं के मध्य हुआ था। इस युद्ध में शेर खां विजयी था। कौन था? शेर खां यहां पर पहली बार विजयी हुआ। इसके बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। इसी के बाद में बिलग्राम युद्ध 17 मई 1540 में शेर खां व हुमायूं के मध्य हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ था और शेर खां ने आसानी से दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया था। किस पे? दिल्ली और आगरा पर अधिकार किसने किया था? शेर खां ने। ओके, शेर खां उसका नाम क्या था? तो इसका ही नाम हुमायूं, ठीक है। चलते हैं, देख लेते हैं। हुमायूं पराजित हुआ और शेर खां यहाँ पर जीत गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अप्सरा नृत्य, अप्सरा नृत्य बिहार नृत्य और चली नृत्य, चली नृत्य दशा अवतार नृत्य, गोसाई प्रवेश, गोसाई प्रवेश और
झुमुरा झुमुरा किस शास्त्रीय नृत्य के रूप हैं? तो देख लेते हैं, ये सत्रिय नृत्य को कई शैलियों में विभाजित किया गया है। अप्सरा नृत्य, बिहार नृत्य, चली नृत्य, दशावतार नृत्य, मनचोक नृत्य और नटुआ नृत्य, रस नृत्य, राजघरिया नृत्य और गोसाई प्रवेश द्वार। हाँ, तो देख लेते हैं, तो यहाँ सूत्रधार या सूत्रधारा है। ओके, तो ये सत्रिय नृत्य कई शैलियाँ जो विभाजित की गई हैं किसकी, तो सत्रिय नृत्य की ये शैलियाँ हो जाती हैं। किसकी? सत्रिय नृत्य की। असम में 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकर देव इनकी स्थापना, इसकी स्थापना किसने की थी? तो असम के श्रीमंत शंकर देव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? सत्रिय नृत्य की। ओके, तो इसके ही ये एक प्रमुख विभाजित शैलियाँ हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा, असम की जो सत्रिय नृत्य है उसकी ये प्रमुख शैलियाँ हैं। ओके, ये 2000 ईस्वी के पूर्व लिखी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो संविधान का अनुच्छेद 22 क्या सुनिश्चित करता है? गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण। क्या है? गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण ये करता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है या ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशीघ्र बताए बिना हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर रही है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर रही है? तो ये हमारा हो जाता है इसमें ऑप्शन पहला केरल। कौन सा? केरल है। यहाँ पर 94% पुरुष साक्षरता रही है, 94%। तो इसमें पुरुषों में 96.11% और महिला में 92.7% का लक्ष्य रहा है। और लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप दूसरे नंबर पर केंद्रशासित प्रदेश जो है, देखिए केरल में कुल साक्षरता रही है 94% कुल, इसमें पुरुषों में 96.11 कितनी है, पुरुषों में सिर्फ 96.11 और महिलाओं में 92.7% कितनी, 92.7%। और अब देख लेते हैं केंद्रशासित प्रदेश, क्योंकि एक राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश है, तो केंद्रशासित प्रदेश में 91.85 और 95.59 सबसे कम कहाँ रहा है, सबसे कम रहा है बिहार 61.80, ठीक है। टोटल इसमें 71.20 पुरुषों में और 51.50 महिलाओं में। ओके, ये साक्षरता दर रही है। ओके, तो देख लेते हैं सबसे ज़्यादा मतलब राज्य में केरल के पास है और केंद्रशासित प्रदेश में लक्षद्वीप के पास और सबसे कम बिहार के पास। ओके, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमने सबसे कम देख लिया है, अब तो हमारे टॉपिक पूरा हो गया ना। ओके, तो अब देख लेते हैं अगला, अगला देख लेते हैं क्या भारत, तो टोटल देखेंगे हम भारत के बारे में। देखिए ये हमारा सबसे कम रहा है कहाँ, बिहार, बिहार में कितना रहा है 51.80। ओके, अब देख लेते हैं भारत, तो भारत में कुल ये जो साक्षरता दर रही है वो कितनी रही है, तो ये 74.04। तो देख लेते हैं भारत, तो भारत का कुल इसमें 74.04% रहा है। इसमें पुरुषों की साक्षरता जो है वो 82.14 है और महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो 65.46% हो जाती है। कितनी? 65.46%। तो देख लेते हैं, तो हमने क्या देखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम और सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की रही है? तो इसमें केरल सबसे ज़्यादा है और बिहार सबसे कम है। कितना? बिहार सबसे कम है। ओके, केरल 94% है और बिहार 61.80%। और ठीक है, और जनघनत्व कितना है, तो 945 व्यक्ति प्रति 1000 पुरुष पर। ओके, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है यह आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को मनाने की शुरुआत 15 जून 2007 से हुई थी। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस और NRI दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण दिवस हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस एवं स्वामी विवेकानंद का इसमें जन्मदिन मनाया जाता है। कब? तो ये 12 जनवरी को, इसीलिए इसे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब? तो ये स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है 12 जनवरी को। ओके, क्या मनाता है? 12 जनवरी को
राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय, इसी दिन जीवन दिवस इनका जन्म दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद का। 30 जनवरी को महात्मा गांधी का शहादत दिवस या शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को महात्मा गांधी का। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो ये 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। कब है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कौन सा, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस और अहिंसा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण दिवस थे। अब अगला प्रश्न है, श्री रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम या मूल नाम क्या था? तो श्री रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। नरेंद्र नाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। किसका? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। कितना? नरेंद्र नाथ दत्त। और परमहंस योगानंद का वास्तविक नाम मुकुंद लाल घोष। किसका? परमहंस योगानंद का वास्तविक नाम और रमण महर्षि का वास्तविक नाम वेंकट रमण अय्यर। क्या है? रमण महर्षि का वास्तविक नाम वेंकट रमण अय्यर था। क्या था? वेंकट रमण अय्यर था। देख लेते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। भारत की संसदीय प्रणाली, शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है या किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ब्रिटेन के देश के संविधान से ली गई है। कौन सी है? तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संविधान में एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली और न्यायालय के विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मकवाद को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ओके, तो ये सभी ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, ISSF चैंपियन रुद्राज बाला साहेब पाटिल किस राज्य से संबंधित हैं? ISSF चैंपियन रुद्राज बाला साहेब पाटिल किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये मुंबई से संबंधित हैं। ये निशानेबाजी रुद्राज पाटिल को मिस्र के काहिरा में आयोजित राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2022 में व्यक्तिगत पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ था। तो एयर राइफल इनका ये पदक था। ठीक है, चलते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो ये रुद्राज बाला साहेब थे। ठीक है, 2020 के अनुसार भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा रहा है? 2020 के अनुसार भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा रहा है? तो ये रहा है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है। 2019-20 में भारत में कुल मैंगनीज उत्पादन का लगभग 33% हिस्सा मध्य प्रदेश का है। किसका है? मध्य प्रदेश का कुल हो जाएगा। अगला है मैगनीज, तो देख लेते हैं मैगनीज। फिर क्या है? बॉक्साइट, निकेल और चारों, क्या है? बॉक्साइट, निकेल और है क्रोमाइट, आयरन। ये कौन सी पर रहा है? तो ये रहा है उड़ीसा। फिर क्या है? मैगनीज में मध्य प्रदेश और कोबाल्ट में झारखंड, कॉपर में मध्य प्रदेश और गोल्ड में कर्नाटक। कौन है? गोल्ड में कर्नाटक। ओके, गोल्ड में शीर्ष स्थान पर रहा है कर्नाटक। ठीक है, लेड और सिल्वर में राजस्थान। कौन है? लेड और सिल्वर में राजस्थान रहा है। और टीन में छत्तीसगढ़, ओनली स्टेट इन इंडिया। टीन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम तमिलनाडु में है। ठीक, कहाँ है मैग्नीशियम कहाँ है? तमिलनाडु में। और ये क्या है? लाइमस्टोन मध्य प्रदेश। माइका आंध्र प्रदेश में। कहाँ? तो माइका है आंध्र प्रदेश। और डोलोमाइट उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कहाँ? डोलोमाइट है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न कौन सा है, स्वयं सहायता समूहों के डिजिटलीकरण पर एक परियोजना ई शक्ति किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये नाबार्ड के द्वारा शुरू की गई है। कौन सी है, स्वयं सहायता समूहों के डिजिटलीकरण पर एक परियोजना ई शक्ति किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये नाबार्ड के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और ये जो छठवीं पंचवर्षीय योजना थी इसके दौरान की गई थी। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष श्री शाहजी केवी हैं, क्या कौन है, शाहजी केवी हैं, श्री शाहजी केवी हो जाते हैं इसके अध्यक्ष। अगला है सुतापा तालुकदार, क्या है सुतापा तालुकदार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये उड़ीसा नृत्य से है, क्या उड़ीसी नृत्य से हो जाता है। सुतापा तालुकदार का संबंध किससे, उड़ीसी नृत्य शैली से। अगला देख लेते हैं, तो उड़ीसी नृत्य शैलियाँ कौन कौन सी हैं, तो इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। आध्या, कतिकर, मोहन महापात्रा, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा, मायाधर रावत, संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुद्गल, रानी कर्ण, काली चरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, सेरोन लेबोन लोवेन, ठीक है, और मित्रा बारबी अर्जेंटीना, दीप्ति चट्टोपाध्याय और अरुणा मोहंती, ये प्रमुख हो जाती हैं। अगला है सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से कौन सा रोग हो जाता है, तो सैंड फ्लाई मच्छी मक्खी है उसे काटने से काला जार हो जाता है, कौन सा, काला जार रोग हो जाता है, सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से काला जार रोग हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 4F कक्ष में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का कौन सा समूह सही है, तो n बराबर 4 और i बराबर 3, m बराबर +1, तो इसका सूत्र हो जाएगा s+2, क्या है, s+1/2, इसका ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, n बराबर 4 और i बराबर 3, ठीक है, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर +1, तो क्या है सूत्र हमारा, क्या है, s+1/2, ओके, ये इसका सूत्र हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं, तो इसमें क्या है, F4 के ये सूत्र, ये F4 कक्ष के ये उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है क्वांटम संख्याओं का ये सही समूह बताता है, ओके, सही समूह को ये दर्शाता है, क्या है, s+1/2, ओके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, तो अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इससे संबंधित ही है, इसको देख लेते हैं। एस क्या है, 2s बराबर एन जो है नंबर ऑफ, तो एन की संख्या 2, एल की संख्या 0 और एम की संख्या ओ, तो एस बराबर +-1/2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये इनके बारे में आप लोग देख लें। 2p बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर 2, l बराबर 1 और m बराबर -1, तो 0 1, या s बराबर +-1/2, फिर क्या है 3d बराबर, n बराबर 3, s बराबर 2, l बराबर -2, तो इसमें 0 1 2 0 2, तो s बराबर क्या हो जाएगा +-1/2, ठीक है, 1/2, ये इस पे सूत्र हो जाएंगे हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग देखते रहिएगा क्योंकि इसमें इसी तरीके से पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, ये मतलब उसमें एग्जांपल में होंगे तो आप लोग वहाँ से देख के बता सकते हैं। हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गोंड ने किया था, किसने, विलियम गोंड ने किया था, और नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, कौन है, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। हरित क्रांति का शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम गोंड ने किया था, किसने, विलियम गोंड ने किया हुआ था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत विश्व में 1960 में, भारत में 1965-68, हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से शुरू हुई है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से M.S. स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था, ठीक है, तो विश्व में शुरुआत 1960 और इसकी शुरुआत जो कहाँ है, मैक्सिको से हुई है, और इसके भारत में जो उसके नेतृत्वकर्ता हैं M.S. स्वामीनाथन हो जाते हैं। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में, तो ये भारत में 1965-68 के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, ओके, महत्वपूर्ण वर्ष 1966-67 ही रहा है। फिर अगला है वर्ष 1970, क्या है,
ये शुरुआत कहाँ हुई? पंजाब में। ओके, पंजाब में गेहूं के उत्पादन पर हुई थी सबसे पहले। तो देख लेते हैं, वर्ष 1970 में नार्मल बोरलॉन्ग को उच्च उपज देने वाली किस्में हाई यील्ड वेराइटीज़ को विकसित करने के लिए उनके कार्य के लिए नोबल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किसे? नार्मल बोरलॉन्ग को। क्या है? नार्मल बोरलॉन्ग को सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हरित क्रांति के मुख्य फसलें जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का हैं, कौन सी हैं? हरित क्रांति में मुख्य फसलें हैं गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये प्रमुख फसलें हो जाती हैं। भारत हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न में वृद्धि गेहूं में हुई है। ओके, कहाँ हुई है? गेहूं में हुई है। तो ये हमने देख लिया है हरित क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें नार्मल बोरलॉन्ग हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। भारत में MS स्वामीनाथन, कौन है? भारत में MS स्वामीनाथन। C3H3O किसका ये फार्मूला हो जाता है, तो ये आपको बताना है। तो ये है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन ये किसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोक्विनोन का। इसका फार्मूला है C3H3O। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय तीरंदाजों ने इराक में सुलेमानिया में आयोजित एशिया कप 2022 स्टेज टू में कुल 14 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण पदक हैं, 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। तो कहाँ हुई है भारतीय तीरंदाजी? ये इराक के सुलेमानिया में हुई है। इसमें एशिया कप 2022 में स्टेज टू में कुल 14 पदक जीते गए हैं, इसमें 8 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। ओके, तो किसने की है ये? भारतीय तीरंदाजों ने इराक के सुलेमानिया में, ये जो एशिया कप हुआ है 2022 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा, तो आज का प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। तो अगला प्रश्न आगे हम देखेंगे अगली सीरीज में। तो आप लोग इस सेशन को शेयर अवश्य करते रहिएगा, तो शेयर करना बिल्कुल ज़रूरी है आप लोगों को। तो आज का सेशन बस यहीं तक, 100% आपको ये सफलता दिलाएंगे और आप परीक्षाओं में इसे यहीं से प्रश्न पूछे आते हैं, तो आप लोग इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा और आपको 100% यहीं से सफलता प्राप्त होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से निर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। 100% आपको सब्सक्राइब यहीं से करना है, बिल्कुल आपको सब्सक्राइब करते रहना है।